हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की वोट से कई सवाल किए गए, जिसमें से एक सवाल फरीदाबाद नगर निगम में सड़क निर्माण में ट्रेंडिंग से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए पूरी कार्यवाही का ब्यौरा दिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज चोपड़ा ने एक प्रश्न पूछा, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में सड़क निर्माण में टेंडरिंग के मामले में जारी विजिलेंस जांच को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जांच में जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र पूरा करें, और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि नगर पालिका नियम 1976 के नियम 8 में ये उल्लेखित है कि निर्माण कार्य में 10% तक ही एनहांसमेंट की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि कई मामलों में 10% से ज्यादा भी एनहांसमेंट की गई है। इसका कारण ये है कि नियम 8 की परिभाषित व्याख्या सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस व्याख्या को सही किया जाए, और अगर कहीं 10% से अधिक एनहांसमेंट है तो रीटेंडर किया जाए। म्युनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक एनहांसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में, बीच में एक बार सरकार ने उस क्लॉज को ये तय भी किया था कि 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे कारण मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे, उन्होंने फिर उस लेटर को विड्रॉ भी कर लिया। 10% से ज्यादा हो नहीं सकता मैं, लेकिन वो जो 1976 के, अगर किया है तो गलत किया है। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि 1976 का उसमें क्लॉज नंबर सेक्शन 8 है, उसको अमेंड करके और उसमें बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उसमें परिभाषा में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 10% तक ही कर सकते हैं या मोर देन 10% कर सकते हैं, उसके अंदर उस अंग्रेजी की व्याख्या तो बड़े ढंग से सब करते हैं जो उसको सूट कर जाए। मैंने इसको स्वयं पढ़ा है कि 10% ज्यादा क्यों होता रहा है, तब मेरे सामने एक्सप्रेशन दिया गया, और मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि उस क्लॉज को ठीक से व्याख्या करने के लिए उसमें संशोधन करें ताकि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ना हो, 10% से ज्यादा अगर होती है तो उसको रीटेंडर करें। रीटेंडर में जो आएगा आएगा। अब जहां तक इस विषय की मुझे जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के डिपार्टमेंट के साथ ये तय किया कि इसमें जो सड़क है तारकोल की सड़क ना बना करके आरएमसी जो सीमेंटेड बनाया जाए, उन्होंने जो साथ में उसी समय टेंडर दिए थे आरएमसी के, उस रेट को बेस मान करके उस रेट को पास किया, उसी समय किया और साथ में ही सड़क बनी वो, तो इसलिए रेट आरएमसी का तो आरएमसी होगा, तारकोल का और आरएमसी का अंतर बहुत होता है, तो अंतर है तो स्वाभाविक बनाने वाला उस अंतर को लेगा ही लेगा। हाँ, इसमें भी अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की करप्शन हुई है, तो निश्चित रूप से जैसे ही जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे अपने विजिलेंस को कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच करें और जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से तय किया गया है कि ये सड़क तारकोल की नहीं आरएनसी की ही बनेगी, इसलिए तारकोल और आरएनसी के रेट में अंतर पाया है। वहीं सीएम ने कहा कि अगर उनमें से किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी।